जय हिंद दोस्तों। हम और हमारे सर मार्कोस सर के पास हम अभी आ चुके हैं और बहुत उम्मीद लगा कर आए हैं कि इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और हमारे ये जो सर हैं अभी बिहार में एक नंबर पे चल रहे हैं कि इनका जो व्यवहार है, जो बातें करने का शैली है, बढ़िया बढ़िया जो ट्रेनर है नहीं। और हम सब चाहते हैं कि हर ट्रेनर एक साथ रहकर मिलजुल कर काम करें। लोग को भयभीत करते हैं ना कि ये ट्रेनर ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर लोग एक जैसा होता है, हम सबका एक फैमिली है। और हमारे सर जो हैं बहुत अच्छे आदमी हैं और दिल छूने वाले आदमी हैं, जो कि आज हम मिलने के कोशिश से हम गांधी मैदान होते हुए आज हम इनके लॉज, ये मन समझिए कि हॉस्टल पे आ चुके हैं। और आज अभी रात में 9:30 बज रहा है, तो आप समझिए दिल लगा तब तो हम आ चुके हैं। तो आज लड़का का भी टेंशन होते रहता है, इसके कारण हम सब इधर जा नहीं पाते हैं। तो आज हम अभिनव सर से बात करेंगे और अभिनव सर हमारे बारे में भी, जो भी इनके बारे में होगा वो बताएंगे। तो सर से अभी बात करते हैं। क्या सर, आप बताइए कि अभी लड़का का फायरमैन का जो रिजल्ट है उसका बहुत टेंशन हो रहा है लड़का लोग को, और आप पे लोग विश्वास भी करता है कि भाई जो भी डेट अपडेट देते हैं सही देते हैं। जय हिंद साथियों, निशान गर्दनी बाग यूट्यूब चैनल से आप सभी को सबसे पहले निशान की तरफ से ढेर सारी बधाई जो दरोगा अभ्यर्थी पास किए हैं। अभी चूंकि अभी माहौल है दरोगाओं का, जो दरोगा बन रहे हैं, ये हमारा छोटा भाई है और ये काफ़ी मेहनती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेहनती बहुत है, इसीलिए थोड़ा सा इससे अच्छा पड़ता है हमारा। और मैं इसको खुद कॉल किया, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, इसका हाल समाचार लिया, इसने बताया मुझे। और काफ़ी मेहनत करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद यहाँ तक पहुँचा है, तो इसे पता है कि बेसिक से कैसे यहाँ ऊपर उठने के बाद लोग स्ट्रगल करके आते हैं। तो आ जाए तो बहुत सारी बात हो रही थी, तो फायरमैन के रिजल्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है ये मेरे से। तो साथियों, आज निशांत गर्दनी बाग यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ आप सभी को। आप सभी फायरमैन का जो इंतजार कर रहे हो वो नेक्स्ट मंथ में रिजल्ट आएगी, इस महीने कोई चांस नहीं बन रहा है रिजल्ट आने का। क्योंकि आपको पता है रिजल्ट तो इसी महीने में आना था साथियों, ये 2019 की बहाली ली है। और इसमें रिजल्ट इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि OMR गायब हो चुका है, उस पे केस चल रही है, और जब तक केस क्लियर नहीं होगा तब तक आपका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। उम्मीद है इस महीने में 25-26 तारीख तक केस को क्लियर कर दिया जाएगा। कुछ रिकवरी हो चुकी है और कुछ और रिकवर करने के बाद रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा आपका। तो निशांत के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज जो निशांत हमारे पास आए हैं जानने के लिए, ये स्टूडेंट के लिए बहुत तत्पर रहता है। और बहुत सारी बात फ़ोन पे भी हमारी हुई और बात होने के बाद पहुंचा तो मैं आपको अपडेट दे दिया इसके चैनल के माध्यम से। आप सभी एकदम निश्चिंत रहें और निशांत का वीडियो भी देखते रहें। काफ़ी मेहनती है, अच्छा स्ट्रगल कर रहा है, ट्रेनिंग देता है काफ़ी। एक बात और हम कहना चाहते हैं कि देखिए, जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और मार्कोस सर का भी नाम जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मेरे चैनल का जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, थोड़ा सर का भी फोकस कीजिए। हमारा सबका सपोर्ट एक ही रहता है, हम सब चाहते हैं कि देखिए, सबसे पहला चीज एक बात बताते हैं, ट्रेनर का मतलब क्या होता है, छात्र हित में काम करना। हम भगवान नहीं हैं, हम इंसान हैं और हम लोग इतना बड़ा तोप भी नहीं है। हम लोग आखिर ट्रेनर वही बनता है बाबू जो अनसक्सेसफुल पर्सन है, और अनसक्सेसफुल होते हुए आपको सक्सेस का रास्ता दिखाता है। तो काफी स्ट्रगल रहती है और ट्रेनर ऐसे नहीं बनते हैं, रात में नींद नहीं आता है, ब्रेन दर्द करता है, पूरा हड्डी बॉडी का दर्द करता है, काफ़ी स्ट्रगल करते हैं हम लोग और आप लोगों को आपके मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो सभी गुरु गुरु होते हैं, पूरे पटना में जितने भी ट्रेनर हैं सभी हमारे भाई हैं, सभी को दिल से मेहनत करते मैंने खुद देखा है। तो कोई ट्रेनर खराब नहीं होता है, सभी ट्रेनर अच्छा होता है और अच्छे मेहनत कराते हैं और सबका अच्छा रिजल्ट होता है। मेहनत बच्चे को करना चाहिए, जो बच्चा मेहनत करेगा, आप किसी भी ट्रेनर के पास चल जाओ, मेहनत नहीं करोगे रिजल्ट नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा। हम बस इतना ही करेंगे कि आपको दो डंडा ज़्यादा मारेंगे और आपको दौड़ाएंगे। तो इस बात से आपको देखिए, आगे का जो भी सूचना होगा हमारे मार्को सर देते रहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से जो भी आपको सूचना मिलेगा देते रहेंगे। सर एक बात और करना चाहते हैं, जैसे कि अभी लोग सोच रहा है कि अगर वो 194 या 96 का जो भी 194 ओमर जो अभी गायब हुआ है उस पर की लग रहा है लड़का को कि क्या रद्द हो जाएगी क्या, तो हम इस पर वीडियो के माध्यम से बोले थे कि रद्द नहीं होगा बाबू, एकदम गारंटी है कि रिजल्ट तो आएगा और अगले मंथ आएगा। तो आप भी कंफर्म कर दें सर कि इस पर रद्द नहीं होने वाला है। देखो आपको पता है ना कि सरकार कहाँ से पैसे लाती है,
हमारा रेवेन्यू जनरेट बिहार में नहीं हो पाता है, दारू बंद है। दारू अगर चालू रहता तो पता है कितना पैसा गवर्नमेंट को जाता, लेकिन बिहार में रिसोर्स नहीं है, कहाँ से एग्जाम के लिए पैसे लगा यार, मजाक थोड़ी है। एग्जाम में सेंटर को केंद्र बनाना पड़ता है, उतना स्टाफ अपॉइंट करना पड़ता है, सारी सिस्टम से होती है, उसमें रुपया खर्च होता है। तो 194 ओएमआरसेट को रिकवरी किया जा रहा है, जो उधर पैसे लगाएंगे वो इधर थोड़ा सा लगाएंगे तो रिकवरी हो जाएगा। तो इधर रिकवरी है आप सभी के लिए, ये खुशखबरी है जो अच्छा एग्जाम गया है जिनका, कि आपका ओएमआरसेट जो है वो रिकवरी होने ही वाला है, मतलब आधा ज़्यादा तो हो ही गया यार, अब रिकवरी होके आपका रिजल्ट में कुछ नहीं, आधा स्कैनिंग भी हो गया, आधा ज़्यादा स्कैनिंग हो गया है, रिजल्ट अगले महीने में 100% देने वाला है। 84/15 के बारे में इसी चैनल से अपडेट जाएगी, क्योंकि मैं अपने चैनल से तो अपडेट नहीं दूंगा आप लोगों को, आप लोग बहुत गलत कमेंट करते हैं। एक दो लड़का कमेंट किया था, मुझे बहुत गुस्सा आया है, इसलिए हम कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, नहीं देंगे। आप लोग बहुत बुरा लगा हमको, हम बहुत सीधा आदमी हैं, हमको बहुत ख़राब लगता है ये सब, लेकिन निशान के चैनल से अपडेट मिलेगा आपको, और इसके चैनल को भी आप देखते रहें। धन्यवाद। और बात करेंगे कि जैसे सर सर से जुड़े और सर का भी चैनल देखें, बहुत अच्छे हैं और ट्रेनिंग भी अच्छे देते हैं, तो हम सब एक हैं, और जब भी हो कुछ भी ज्ञान भाई को सपोर्ट कर यार, भाई बहन जो बहुत अच्छा सिखाता है, चिंता नहीं करना है, ठीक है। आप लोग बड़े, आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद, भारत माता की जय।